नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। आइए रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आज दिनांक 16 सितंबर को सिरगाटी नगर परिषद से मुख्य पार्षद पद के लिए अनुमंडल कार्यालय में पवन किशोर की मां गीता देवी ने नामांकन दाखिल किया। नगर परिषद सिरगाटी के लिए कुल 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया, जिसमें वार्ड पार्षद के लिए 13 और मुख्य पार्षद के लिए 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। उप मुखिया पार्षद के लिए अभी तक कोई भी नामांकन प्राप्त नहीं हुआ। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। चहुंमुखी विकास हो, यही हमारी शुभकामना है और हम बहुत लगन से सब काम करना चाहते हैं। आगे चलकर जो जनता अगर मान लीजिए आपको चुनेगी, बिल्कुल एक बार भगवान हमको मौका दे और जनता हमें साथ दे, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अपना नाम अपना परिचय दीजिए। मैडम कितना मुश्किल होगा कि आप एक महिला होकर और चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, इसमें आपको क्या मतलब क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि क्या? बहुत अच्छा लग रहा है और हमको संसार की जितनी या शहर की जितनी भी महिला है उनको भी हम प्रेरित करते हैं कि वो भी अपने समाज परिवार के लिए कुछ अच्छा काम करें। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय, मेरा नाम गीता देवी है, मैं स्वर्गीय कौशलेंद्र कुमार सिंह की पत्नी हूँ और किशोर बाबू की बहू हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कमीशन राज खत्म करना है और जो बंद कमरे में लोग पैर पकड़ के बाद में कॉलर टाइट करके निकल लेते हैं, बस कमीशन राज खत्म करना है, बंद कमरे की राजनीति खत्म करनी है। जो होना चाहिए जनता का मुद्दा जनता के बीच रखना चाहिए और उनका सारा निवारण होना चाहिए, बस यही मेरा संदेश है लोगों को। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन किशोर सिंह, मेरी माता जी गीता देवी खड़ी है इस पद के लिए, चेयरमैन के लिए, सिरगाटी नगर परिषद के लिए। पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, प्रोफेसर रही है। पढ़ी लिखी महिला को सशक्त बनाए और सिरगाटी को सशक्त बनाए।